मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी वक्त भले ही बचा हो, लेकिन शतरंज के बसात और पर मोहरे बीचने लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी पिछले चुनाव में हुई गलतियों के सबक लेते हुए मैदान में उतरेगी। पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में जीत का अंतर काफी कम था और इसके चलते जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थन विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए तो एक बार फिर एमपी में शिवराज हो गया और इसके बाद बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हैसियत बढ़ी और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। हालांकि बीच बीच में ऐसी खबरें भी आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में खुश नहीं है। इसके चलते सवाल उठता है कि सिंधिया की क्या कांग्रेस में वापसी होगी। इस सवाल का जवाब राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिया। कमलनाथ से सवाल किया गया कि क्या भविष्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी छोड़ने वाले कुछ अन्य नेताओं की कांग्रेस में वापसी संभव है। इसके जवाब में पूर्व सीएम ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, कार्यकर्ताओं का भरोसा तोड़ा है और मध्य प्रदेश की जनता के साथ बेईमानी की है, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद है। बीजेपी मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की जगह चुनाव के वक्त किसी और का नाम आगे करती है तो क्या कांग्रेस के लिए चुनौती मुश्किल होगी। इस पर कमलनाथ ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी की तरफ से सीएम कौन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री बनाती है ये उनका आंतरिक मामला है। एमपी की जनता ने तो 2018 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन फिर हुआ क्या, बीजेपी जो भी मुख्यमंत्री बनाएगी वह खरीद फरोख्त की सरकार का मुखिया होगा।